तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, जैसे आपको पता है कि इंडिया एंड वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है, तो अभी जो है वन डे मैच चल रहा है, उसके बाद T20 मैच होगा। तो बेसिकली वेस्ट इंडीज की जो सीरीज है, कोई भी टीवी चैनल पे चैनल कवर नहीं कर रहा है, ओनली जो फ्री चैनल DD स्पोर्ट्स कर रहा है। तो आज का वीडियो बताऊंगा आपको, 3-4 एप्लीकेशन बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है DD स्पोर्ट्स को आपके मोबाइल पे बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपके पास टीवी है, कोई भी DTH है या तो फिर केबल है, तो आप वहाँ पे फ्री में देख सकते हो। जैसे एयरटेल में यूज करता हूँ, एयरटेल का वीडियो बनाता हूँ, 298 चैनल पे आपको DD स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं जियो टीवी में आपको ओपन करना है। जियो टीवी ओपन करने के बाद आपको जो टीवी लाइव टीवी का ऑप्शन आता है, ऊपर साइड में सर्च कर लेना है DD स्पोर्ट्स। एंड जैसे सर्च करोगे आपको यहाँ पे DD स्पोर्ट्स शो कर देगा। तो अगर जियो टीवी प्ले नहीं हो रहा है तो आपको जाना है प्ले स्टोर में। एंड प्ले स्टोर में जाके आपको सर्च करना है प्रसार भारती न्यूज ऑन एयर, यहाँ पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है एंड ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस टाइप का ऑप्शन आएगा। एंड यहाँ पे देखिए, ऊपर साइड में एक लाइव टीवी का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको जो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे, लाइव टीवी का ऑप्शन खुलेगा। एंड जितना भी लाइव टीवी अवेलेबल है फ्री चैनल में, आपको सब कुछ खुल जाएगा। एंड यहाँ पे कोई भी अगर चैनल आप प्ले करना चाहते हो, प्ले कर सकते हो। एंड आपको नीचे मिलेगा DD स्पोर्ट्स, इसके ऊपर क्लिक करके आपको प्ले कर लेना है। जैसे मेरा मोबाइल पे यहाँ पे प्ले नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अगर आपका मोबाइल प्ले हो जाता तो आप देख सकते हो। अदरवाइज शिफ्ट करना है आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन में। जैसे मेरे पास जो है अलायंस का ब्रॉडबैंड सर्विस है। एंड अगर आपके पास ब्रॉडबैंड सर्विस है तो इसका जो एप्लीकेशन अवेलेबल है प्ले स्टोर में, फ्री में मिल जाएगा। तो आपको अलायंस ब्रॉडबैंड इसके ऊपर क्लिक करके आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है, कोई भी ब्रॉडबैंड है, उसका एप्लीकेशन मिलेगा। एंड सभी ब्रॉडबैंड में अभी जो लाइव टीवी आपको फ्री में दिखाता है, तो आपको जस्ट क्लिक करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कस्टमर आईडी यानी कि क्लाइंट आईडी देके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस टाइप का ऑप्शन खुलेगा। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा लाइव टीवी का, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे आपको साइड में थोड़ा सा नीचे जाना है, तो आपको हमें स्पोर्ट्स सेक्शन दिखाई देगा। एंड स्पोर्ट्स में DD स्पोर्ट्स आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे DD स्पोर्ट्स ओपन हो जाएगा। एंड आप लाइव जितना भी मैच है सब कुछ आप कवर देख सकते हो। तो लास्ट जो एप्लीकेशन बताऊंगा वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपके पास कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है या प्ले नहीं हो रहा है या आपके पास ब्रॉडबैंड नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको अगेन प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करना है विलो क्रिकेट टीवी, WILLOW क्रिकेट टीवी ऐप क्लिक करना है। एंड आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। तो यहाँ पे ओपन करने के बाद नीचे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है, क्रिकेट लाइव स्कोर, वर्ल्ड कप T20 न्यूज एंड विलो लाइव टीवी, इसके ऊपर क्लिक करना। लाइव टीवी के ऊपर यहाँ पे क्रिकेट लाइव का जो ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर जाना है। जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो इंडिया वेस्ट इंडीज का मैच चल रहा है अभी, सेम इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे लो, मीडियम, हाई क्वालिटी, जैसे मैं लो नॉर्मल कर लूँगा। लो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्ले होना शुरू हो जाएगा। एंड जैसे मैच शुरू होगा सेम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जितना भी मैच है, जो भी मैच है आपको यहाँ पे लाइव दिखाई देगा। एंड आप लाइव देख सकते हो। ऐसे तो आपको फैन कोड में भी मिल जाएगा, फैन कोड में भी जाके भी आप इंस्टॉल करके आप 99 रुपीज़ मिनिमम जो आप रिचार्ज करके देख सकते हो। बट मैं जो ट्रिक बताया, ये 4 एप्लीकेशन बताया, उसमें भी आप देख सकते हो। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया। एंड अगर वीडियो पसंद आया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।